देखते हैं तो एक उत्साह से देखते हैं कि चलो ये महिला लोको पायलट है। जब गाड़ी रुकती थी तो कहती बेटी थोड़ा रोको ना, मुझे तुमसे बात करनी है। तो कैसे बनी, मेरी भी बेटी है, मैं उसे बनाना चाहती हूँ। ये नौकरी लड़की लोग के लिए सही नहीं है, सिर्फ लड़के लोग के लिए है, लेकिन ऐसा यहाँ पे आने के बाद कुछ भी नहीं है। चुक चुक गाड़ी जो बच्चे एक दूसरे के कंधा पकड़ कर खेलते हैं, मुझे हमेशा पीछे कर देता था। जिसने बनने नहीं दिया वो मेरा भाई खुद बोलता है, देखो मैं खेलता ही रह गया और तुम सचमुच में ट्रेन चलाने लगी। घर में लोग कोई सब कोई बोलते हैं कि स्कूटी सीख लो, लेकिन हमको ट्रेन चलाना ही ज्यादा अच्छा लगा। इतने मेरे पीछे इतने सारे लोग हैं, सबका जिम्मेवारी मेरे हाथों है। थोड़ा सा बाथरूम वगैरह का दिक्कत है इंजन में, तो देख ही रही हैं आप। मांगूंगी ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। रेलवे में जैसे जो बहाली हो रही है वो बहुत कम कर दिया गया है, जिसके कारण यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो हम ये अपील करेंगे कोई भी सरकार आए, जैसे पहले वैकेंसी आ रही थी उसी तरह आया करे। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। चेक करना होता है हम लोग जब चढ़ते हैं तो, ये सब इसमें स्विच वगैरह सब है, जो कोई ट्रिप नहीं होना चाहिए, सब चेक। MCB है सबका, जितना भी मोटर है सबका MCB है इसमें, उसको चेक करते हैं। फिर अग्निशामक चेक करते हैं इसमें, ये सब ब्लोअर मोटर है, कोई कूलिंग करता है, और ट्रांसफार्मर वाइल है एक इसमें, और ये इंजन का दूसरा हिस्सा है। क्या अब आप गाड़ी शुरू कर रही हैं? नहीं, अब कैब चेंज होगा। मैं पहली बार ट्रेन के इंजन में बैठी हूँ, और उस ट्रेन के जिसे दो महिलाएं चला रही हैं। लोको पायलट भी महिला है, और जो असिस्टेंट लोको पायलट है वो भी महिला है। ये बिहार के समस्तीपुर स्टेशन से हम निकल रहे हैं, और आगे जब ये ट्रेन रुकेगी तो हम इनसे बात भी करेंगे। तो आप इस ट्रेन के मेन लोको पायलट हैं? हाँ। और ये असिस्टेंट लोको पायलट हैं? असिस्टेंट लोको पायलट हैं जी। तो अभी हमारी गाड़ी रुक गई है, और हमने क्या किया है, अपन जो इंजन में बैठे थे उसको ट्रेन की बोगी से अटैच किए हैं हम लोग जी। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? शंटिंग कहते हैं। शंटिंग कहते हैं, जो आप बता रही थी मुझे। ठीक है, तो अब मुझे थोड़ा शुरू से अपनी कहानी बताइएगा। आपका नाम अर्चना है, आपकी असिस्टेंट लोको पायलट जो उनका नाम सोनी है। अच्छा, अर्चना जी आप कब से ट्रेन चला रही हैं? 7 साल हो गई। 7 साल हो गया जी। तो कौन कौन सी ट्रेन चलाती है? हमने जैसे सुना है मालगाड़ी होती है, पैसेंजर वाली गाड़ी होती है। कोरोना के समय में हम मालगाड़ी भी काम किए थे। हाँ। जैसे नजदीक का स्टेशन में जाते थे तो उसमें मालगाड़ी सहायक लोको पायलट जो होता है, हाँ, उसमें हम काम करते थे। हाँ। उसके बाद हम लोग को पैसेंजर में दिया गया एज ए सहायक लोको पायलट, और अभी फिलहाल मेल एक्सप्रेस में काम कर रहे हैं। सीतामढ़ी जाते हैं और जयनगर जाते हैं। सहरसा भी यहाँ की लड़की लोग जाती है। हाँ। लेकिन हम लोग के साथ थोड़ा दिक्कत है, छोटा बच्चा है, वहाँ बहुत ज़्यादा रुकना पड़ता है। हाँ। तो आप जैसे क्या लोको पायलट के तौर पर गाड़ी चलाते हुए जाती है या असिस्टेंट लोको पायलट? एज ए अभी जो जाते हैं लाइन में वो एज ए असिस्टेंट लोको पायलट के बेस पे जाते हैं, मेल एक्सप्रेस में जो आप जाते हैं। और जो गुड्स वाली गाड़ी होती है वो आप अकेले ले जाती हैं? नहीं, उसमें भी दो आदमी रहते हैं। तो उसमें आप लोको पायलट के तौर पर जाती है असिस्टेंट लोको पायलट? नहीं, उसमें भी अभी हम लोग को नहीं भेजा जाता है, क्योंकि हम लोग का पोस्ट लोको पायलट सेंटर हो गया है। लोको पायलट सेंटर। हाँ, अच्छा। हाँ, तो वो आप पैसेंजर वाली गाड़ियों में? हाँ, हम लोग को मेनली काम है जैसे कि ये पावर को अटैच करना, डिटैच करना, सेंटिंग करना, और कभी मान लीजिए कि ज़्यादा ज़रूरत हो गया तो बुलाया जाएगा चलाने के लिए। हाँ, कभी आवश्यकता पड़ जाए वैसा। अर्चना जी ये बताइए, आपने पहली बार गाड़ी कब चलाई थी, मतलब ट्रेन, ऐसे याद है वो दिन या वो समय? समय तो याद नहीं है वैसा। हाँ। लाइन में जब चलते हैं तो सीखने का मौका मिलता है। हाँ। जो हम लोग के लोको पायलट भैया लोग रहते हैं उनसे थोड़ा बहुत मतलब वो लोग सिखाते हैं, तो चलाए थे उन लोग के निगरानी में ही चला। पहली बार कब चलाए थे? यही 3-4 मंथ हो रहा है। 3-4 महीने पहले। हाँ। और कौन सी गाड़ी चलाई थी आपने? यही मेल एक्सप्रेस ही था। मेल एक्सप्रेस था। हाँ। तो कैसा लगा था वो दिन, थोड़ा सा याद करके बताइए, आपका अनुभव कैसा था? बहुत अच्छा था। हाँ।
बहुत अच्छा था अनुभव, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था। ऐसे लगता था कि गाड़ी चलाना, मतलब घर में लोग कोई सबको बोलते हैं कि स्कूटी सीख लो, लेकिन हमको ट्रेन चलाना ही ज़्यादा अच्छा लगा स्कूटी चलाने से। आपको क्या स्कूटी चलाना नहीं आता है? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं सीखे हैं। साइकिल चलाना? साइकिल चलाना आता है। तो कैसे, बचपन में कभी सोचा था क्या कि ट्रेन चलाऊंगी? बचपन में तो वैसा नहीं कुछ मतलब सोचे नहीं थे। जब पटना आए, तैयारी किए, डिप्लोमा किए हुए हैं तो तैयारी किए, तो एज ए मतलब हम लोग का ग्रुप चलता था, तो उसमें डिस्कशन हुआ कि चलो महिला लोको पायलट भी है, बनना है। तो मन में जिज्ञासा हुआ कि चलो ठीक है, बनते हैं एक बार महिला लोको पायलट भी, और फॉर्म भरे, उसमें हो गया तो आ गए इस क्षेत्र में। लेकिन इसके बारे में जितना सुने थे सबके से कि नहीं, ये नौकरी लड़की लोग के लिए सही नहीं है, सिर्फ लड़के लोग के लिए है, लेकिन ऐसा यहाँ पे आने के बाद कुछ भी नहीं है, मतलब सबका सहयोग बहुत अच्छे से रहता है। हम लोग लड़कियाँ भी वर्किंग में, हाँ लड़की भी कर सकती है, हम लोग वर्किंग में भी जाते हैं तो मतलब गेट पर हो, कभी गाड़ी रुकी हो तो लोग आते हैं देखने के लिए, तो मतलब लड़की लोग जो पढ़ने वाली है वो भी आती है देखने के लिए, तो देख बोलती है देखो देखो दीदी है गाड़ी चला रही है तो मतलब उस समय बहुत अच्छा फील होता है। तब याद आता है कि लोग बोलते थे कि नहीं ये सिर्फ जॉब सिर्फ लड़की लोग के लिए नहीं, सही है ये हम लोग भी कर रहे हैं तो सही है। तो जैसे अभी हम जिस इंजन में खड़े हैं इसमें तो कोई एसी नहीं है, कुछ नहीं है? नहीं, एसी नहीं है, एसी नहीं बाथरूम होता? नहीं, एसी होती है कोई कोई लोगों में होती है, लोगों का हर एक टाइप होता है। हाँ। हर एक टाइप होता है, तो कोई कोई लोगों में होती है एसी। हाँ। जिसमें एसी होती है उसमें काम करने में गर्मी के समय में बहुत अच्छा लगता है, और जिसमें नहीं होती है उसमें बहुत परेशानी हो जाती है हम लोग। अभी मुझे खड़े खड़े ही गर्मी लगने लगी। हाँ, इस कैंप का टेम्परेचर और ज़्यादा होता है, बाहर की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, तो परेशानी। हम लोग पानी लेकर के लेकर के आते हैं, पीना शुरू करेंगे तो लगता है कि इतना ज़्यादा पानी गर्म हो जाता है, और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगता है। थोड़ा सा बाथरूम वगैरह का दिक्कत है इंजन में, तो देख ही रही हैं आप, कहीं भी बाथरूम नहीं होता है। नहीं होता है बाथरूम, नहीं होता। फिर जैसे आप गाड़ी चला रही है 3-4 घंटे बाथरूम जाना है, तब जहाँ रुकती है गाड़ी वहाँ जाते हैं। तो क्या उतर कर जो पीछे बोगी होती है उसमें जाते हैं? हाँ, उसमें जाते हैं। और नहीं तो फिर अगर स्टेशन पे ज़्यादा मार्जिन है, मान लीजिए 5 मिनट का स्टॉपेज है, तो स्टेशन पे भी हम लोग बोल करके जाते हैं। सोनी दीदी से बात करती हूँ, आपके पास फिर दोबारा आऊँगी। नमस्ते सोनी दीदी। नमस्ते, नमस्ते। आप कितने साल से आप असिस्टेंट लोको पायलट पद के ऊपर? 6 साल से जी। अच्छा, तो आपका क्या काम रहता है? जैसे उनका तो मुझे समझ में आया ट्रेन चलाना रहता है। मैं तो अभी ALP के पद पर हूँ। हाँ। तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य है, वहाँ ड्यूटी लॉबी में जाती हूँ, फिर साइन ऑन करती हूँ, फिर मतलब गाड़ी में काम करना है तो क्या प्रिकॉशंस है वो सब देखना रहता है, जैसे कॉशन ऑर्डर है पढ़ना है कि जिस लाइन में हम गाड़ी लेके जा रहे हैं उसमें क्या किस किलोमीटर पे कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई ट्रैक खराब रहता है तो उस पर वर्किंग होता है, तो उस समय सावधानी से हम लोग को गाड़ी ले जाना होता है, स्पीड को ख्याल रखना पड़ता है कि इस सेक्शन में इतना किलोमीटर पर हमारा स्पीड कम है सेक्शनल स्पीड से। अच्छा। तो ये सब देखना रहता है लॉबी में। सेक्शनल स्पीड मतलब एक स्पीड पे गाड़ी चल सकती है लेकिन कुछ जगह पे कम। हाँ, जैसा इस रूट का सेक्शनल स्पीड 100 किलोमीटर है, ठीक है पूरा, लेकिन बीच में कहीं कोई ट्रैक में खराबी आ, कहीं फ्रैक्चर हो गया वगैरह वगैरह, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, तो कॉशन ऑर्डर लेते हैं साइन ऑन के बाद, उसे पढ़ते हैं और याद रखते हैं कि इस रूट में इस 2 स्टेशन के बीच इतना किलोमीटर में हमारा स्पीड 30 KMPH है, तो हम 100 नहीं 30 KMPH से जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ सेफ्टी आइटम है, जैसे FSD है वो चेक करके लेना है। वो क्या होता है, थोड़ा आसान FSD फॉग सेफ डिवाइस होता है। हाँ। फॉग सेफ डिवाइस। हाँ। तो उसका ये काम है, जैसे वो हम जिस रूट में जा रहे हैं उसको उस पर मतलब सेट कर देंगे तो उस रूट का सारा डिटेल्स वो बताएगा, जैसे अब अगला स्टेशन आने वाला है, ये गेट आने वाला है, तो वो हमें अलर्ट करता है। मान लीजिए कभी स्पीडोमीटर खराब हो गया तो हम कैसे जानेंगे कि कितना स्पीड, तो वो हमें इंडिकेट करता है, तो उसको FSD कहते हैं। जी, फॉग सेफ्टी डिवाइस। जी, फॉग सेफ्टी डिवाइस। अच्छा, और जैसे जब गाड़ी चल रही होती है तब आपकी क्या क्या जिम्मेदारी होती है, क्या गाड़ी जब चलती है सबसे पहले तो हम आते हैं तो पहले सेफ्टी आइटम सब यहाँ भी चेक करते हैं, जैसे डीजल लोकोमोटिव रहती है तो उसमें तेल पानी वगैरह देखना रहता है, लिखना रहता है, फिर चेक किए, उसके बाद फिर इमरजेंसी देखते हैं, उसके बाद जब गाड़ी चलने लगती है स्टेशन से तो सबसे पहले हमें सिग्नल की ओर देखते हैं। हाँ।
फिर सिग्नल कॉल आउट करते हैं लोको पायलट के साथ कि ये ग्रीन मिला है, वो भी बोलेंगे कि हाँ एकदम सही है ग्रीन, तो फिर हमारी गाड़ी खुलेगी। फिर रास्ते में जाएंगे, फिर सिग्नल आएगी, गेट है, गेट पर ध्यान देंगे, फिर स्पीड ध्यान देंगे, फिर कोई मतलब पब्लिक सब ये ट्रैक पर क्रॉस करते रहता है वो भी ध्यान, सिटी बजाते रहना अलर्ट करने के लिए, यही सब हमारा कर्तव्य है। अच्छा मान लीजिए हम कई बार देखते हैं ना, जैसे रेलवे ट्रैक है, अचानक से लोग आ गए या कोई मवेशी आ गए, तब आप लोग क्या करते हैं, किसकी जिम्मेदारी? सबसे पहले तो दोनों लोग, लोको पायलट असिस्टेंट लोग, जिसकी भी नजर पड़ी पहले तो हॉर्न बजा के उसे अलर्ट करेंगे कि गाड़ी आ रही है, और इमरजेंसी पे हाथ रखेंगे कि उसे पूरा कोशिश करते कि वो बच जाए, मेरी ट्रेन भी सुरक्षित चलती रहे, हमारा यही सिद्धांत है। तो फिर सुनता है तो वो लोग साइड हो जाते, जैसे 200 मीटर आगे हम हॉर्न दिए, सुना साइड हो गया। अब कोई मवेशी उवेशी आता है तो उसे रुक के छोटा छोटा करके व्हिसिल बजा के अलर्ट, नहीं हुआ अगर कोशिश पूरा करते हैं, गाड़ी रुकती है फिर वो हट जाता है तो चलाते, नहीं तो कभी कभी कट जाती है। हाँ जैसे ये बताइए, मतलब हमने ऐसा सुन रखा है कि अचानक से ब्रेक नहीं लगता है या अचानक से जो इमरजेंसी ब्रेक है वो लगा भी नहीं सकते, तो ये बात सही है क्या? नहीं, इमरजेंसी ब्रेक हम लोग, जैसे कि हम लोग को असिस्टेंट को दिया गया है आरएस वॉल, तो जैसे कि मान लीजिए सिग्नल अगर रेड है और लोको पायलट सतर्क नहीं है, मान लीजिए वो ब्रेकिंग नहीं कर रहे हैं, उसकी उनका ध्यान कहीं है, तो इमरजेंसी लगा सकते हैं हम लोग। अच्छा, इस तरह से लगाए मतलब लगाना रहता है कि जैसे हम लोग को रेड सिग्नल से पहले गाड़ी एकदम खड़ी हो जाए, क्योंकि रेड सिग्नल पार करने के बाद हम लोग को रिमूव द जॉब है। बिल्कुल। वो माइनस सिग्नल जो होता है ना, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे जॉब के लिए, मेरा सर्विस जो है उसी पे टिका हुआ है। अगर कभी आगे निकल गया वो रेड सिग्नल तो एस्पेक्ट रिमूव ऑफ सर्विस, समझ ना, बोलता है हाँ निकाल दिया, रूल्स तो यही है। सिग्नल पासिंग एट डेंजर, एस्पेक्ट का मतलब होता है सिग्नल पासिंग एट डेंजर, वो रेड हुआ तो डेंजर है, पास कर हो सकता है रेड है, आगे ट्रैक में खराबी होगा, बहुत बड़ा दुर्घटना भी हो सकता है, इतने मेरे पीछे इतने सारे लोग हैं, सबका जिम्मेवारी मेरे हाथों है, तो इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है सिग्नल का हमेशा ध्यान रखें। जैसे असिस्टेंट लोको पायलट है, सहायक है ना, मतलब ये मेन लोको पायलट की सहायता के लिए आप होती है, तो आप कौन कौन सी गाड़ियों में जाती है, मालगाड़ी में जाती है, यात्री वाली? ऐसा तो अभी पैसेंजर गाड़ी ही हम लोग को बुक किया जाता है सेफ्टी के लिए, यात्री वाली गाड़ी? जी, यात्री गाड़ी, यात्री मेल एक्सप्रेस या पैसेंजर गाड़ी। तो आप लोग को हमेशा बहुत अटेंटिव रहना पड़ता होगा, बहुत सतर्क रहना पड़ता है। हम लोग जैसे कि लोको पायलट है और सहायक लोको पायलट है, तो हम लोग को अगर सिग्नल है तो कॉल आउट करना है स्टेशन का नाम लेके, सिग्नल का नाम लेकर के, और हाथ से ऐसे इशारा करके कॉल आउट करना रहता है सिग्नल, और कॉशन है तो उसको भी बार बार रिपीट करते रहना है एक दूसरे के साथ, कि ताकि दोनों का ध्यान है जो नहीं बटे। और मान लो किसी एक को नींद आ गई तो इमरजेंसी ब्रेक है ना, इमरजेंसी ब्रेक लोको पायलट के पास भी रहता है, आपके पास कौन सा वाला है? यहाँ पर ले जाने पे जैसे इससे अगर ब्रेकिंग करते हैं, वो हैंडल उधर गया है, तो इसमें ब्रेकिंग पोजीशन रहता है, इसमें एक इमरजेंसी भी रहता है। अच्छा। इमरजेंसी भी लगा सकते हैं, अचानक से कुछ दुर्घटना मान ली होने वाली है तो लोको पायलट लोग इमरजेंसी लगा देते हैं। तो आपको भी हमेशा ही अटेंटिव रहना है कि मतलब ये चला रही है तो आप थोड़ा सा आराम कर सकते हैं? दोनों को आराम नहीं करना है, दोनों को एकदम हमेशा। जैसे आप आराम नहीं कर सकती अगर ये चला रही है, ये ध्यान दे नहीं, नहीं ध्यान हो सकता है, ध्यान ही तो है, कभी भी भटक जाए, इसलिए हमेशा दोनों को एक्टिव रहना पड़ता है। देखे आगे कुछ है, इस पर हाथ रखना है, तुरंत इसको इमरजेंसी खींच देना है, तो एक्टिव रहना पड़ता है। मतलब हम लोग को हमेशा इस चीज़ के लिए काउंसलिंग भी होते रहती है, सेफ्टी सेमिनार होता है, हम लोग का डी सर करवाते हैं, उसमें हम लोग को बताया जाता है कि आप लोग मतलब किस तरह से कंसियस होके काम करना है, हर एक सप्ताह होता है हम लोग के लॉबी में ये सेमिनार। कितने घंटे का आपको ऐसे चलाना होता है, मतलब एक बार में आपकी नौकरी कितने घंटे की होती है एक दिन में? जनरली जाने और आने में 8 घंटा हो जाती है। 8 घंटा? हाँ हो जाती है पूरा चलाना। हाँ आपको भी 8 घंटा? जी मेरा भी 8 घंटा हो जाता है। आपकी तो जैसे मुझे दोनों दिख रहा है शादी हो गई है, आप लोग सिंदूर लगा जी, तो घर भी संभालती है और ये भी? हाँ घर भी संभालते हैं, बच्चा भी छोटा है, सबको देखते हुए ड्यूटी को भी देखना पड़ता है। बच्चे कितने बड़े हैं? मेरे बच्चे 5 इयर्स का है। 5 साल? तो आप उनको छोड़कर आती हैं? हाँ छोड़कर आती हूँ। रोज आपकी क्या शिफ्ट होती है, कितने से कितने बजे तक? या देखिए हम लोग रनिंग है तो कोई मतलब फिक्स नहीं है कि आज मैं 8 बजे गई तो कल भी कोई भी गाड़ी लग सकती है।
वो एक दिन पहले पता चलता है कि अगले दिन कितने बजे? नहीं, 16 घंटा का रेस्ट होता है। जब हमारा रेस्ट का 16 घंटा पूरी हो जाती है तो हम अपना रेडी रहते हैं कि कभी भी कॉल आ सकती है और कभी भी जाना पड़ कभी भी जाना पड़ सकता है। आपके भी घर पर सब है? सब है, बच्चा है, एक 6 साल का है, एक 1 साल का है। घर पे मेरी सासू माँ रहती है, वही बच्चे का देख, उन लोग के सहयोग से ही हम लोग ड्यूटी कर पाते हैं। घर वालों के सहयोग? हाँ, अगर घर वाले सहयोग नहीं करेंगे तो फिर ऐसा हम लोग का ड्यूटी है एकदम, मतलब घर का टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, दिमाग में आना ही नहीं है, सिर्फ सिग्नल के प्रति एकदम सतर्क रहना है। तो उन लोग का सहयोग रहता है बहुत। तो जैसे अभी आप लोग यहाँ खड़े हो, लोग आप लोग को आकर देख रहे हैं, क्या कैसा आपका अनुभव? अच्छा, होता है लोग अच्छा, कैसे अच्छा फील होते हैं? कभी भी मतलब लोग देखते हैं तो एक उत्साह से देखते हैं कि चलो ये महिला लोग को पायलट है। लड़की लोग तो आकर के मिलती भी है, बात भी करती है, और छोटे छोटे बच्चे लोग भी बोलते हैं दीदी आप ही ट्रेन चलाती हैं। हाँ, हम ही ट्रेन चलाते हैं। आपस में सब बात करते हैं, देखो देखो दीदी जा रही है ट्रेन ले करके, तो अच्छा फील होता है। आपके कैसे अनुभव रहे हैं, लोग कैसे आप लोग को देख के रिएक्ट करते हैं? देखिए, मैं जब सबसे पहले 2017 में अक्टूबर मंथ में गाड़ी लेके जा रही थी, दशहरा का टाइम था, तो ज़्यादा मतलब यात्रियों का भी चल रही थी, तो उसमें सब बहुत सारी लड़कियां थी, महिला लोग थी, मतलब माँ जैसी, बहन जैसी, कुछ बहुत छोटी थी, तो सब ने झाँक रहा था। मैं उस रूट में लड़कियाँ कम जाती थी, तो जब गाड़ी रुकती थी तो कहती बेटी थोड़ा रोको ना, मुझे तुमसे बात करनी है। तो गाड़ी रुकती तो बोलते हैं बोलिए क्या, तो कैसे बनी, मेरी भी बेटी है, मैं उसे बनाना चाहती हूँ ट्रेन। तो मैं उसे बताती थी भाई ऐसे पढ़ना है, ये चीज़ कोई टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए, तो मैं बताती थी, तो अच्छा फील होता था और उन लोग को भी अच्छा लगता था कि हमारा महिला समाज आगे बढ़ रहा है। जिस गाड़ी के दीदी लोगों ने शंटिंग की थी उस गाड़ी को निकलना था, तो हम उतर कर आ गए ताकि बाकी बात हम आराम से बैठकर स्टेशन पे कर सके। आप तो पहले मुझे ये बताइए, आप असिस्टेंट लोको पायलट हैं, बचपन में ऐसे कभी सोचा था कि मुझे ट्रेन चलाना है या कुछ करना है, ऐसा कैसे ख्याल आया, मतलब ये कैसे चुना आपने ये पेशा? एक तो बचपन में जो हुई खेल खेल में, उसके बाद फिर मैं खेल खेल में क्या खेल में मतलब ऐसे क्या वो रेल छुक छुक गाड़ी जो बच्चे एक दूसरे के कंधा पकड़ कर खेलते हैं, तो बस मुझे हमेशा पीछे कर देता था कोई, तो मैंने गुस्सा में आया आई रोने लगी कि ठीक है मैं बड़ी होंगी ना, मैं और सच में हकीकत में ट्रेन चलाऊंगी। फिर बड़ी हुई, समय साथ दिया और फिर मैं बन गई। हाँ बन गई। तो पहले दिन जब आप ऐसे, जो जिसने बनने नहीं दिया वो मेरा भाई खुद बोलता है देखो मैं खेलता ही रह गया और तुम सचमुच में ट्रेन बन गई, ट्रेन चलाने लगी। तो जब पहली बार ऐसे इंजन में बैठी थी कैसा लगा था, वो कैसा अनुभव था? देखिए पहले तो थोड़ा सा डर रहता है ना, बहुत आवाज़ कट, जब फर्स्ट डे था वो डर भी लग रहा था, फिर भैया लोगों ने साहस दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, करो सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलाओ फिर सब सही हो जाएगा। तो बस वैसा ही फिर नॉर्मल लगने लगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, नहीं सब लगा देते हैं। अब आगे क्या सपना है आपका, आगे क्या करना है? अब क्या, अब तो अभी LP है, फिर मतलब लोको पायलट गुड्स बनेंगे, फिर मेल एक्सप्रेस यही बनना है, और क्या, फिर बहुत CLI बन सकते हैं। अच्छा, ये अलग अलग पद होते हैं जी। मुझे जैसे कुछ नहीं पता है, मुझे शुरू से समझाइए, या उस बच्चे को समझाइए जो लोको पायलट बनना चाहता है, कहाँ से शुरू करना पड़ता है, क्या क्या अनुभव लेना पड़ता है? इसमें सबसे पहले तो ITI चाहिए, क्वालिफिकेशन मैट्रिक प्लस ITI, और उसके बाद इसमें एग्ज़ाम होता है। पहले तो सिर्फ रिटेन होता था, और लेकिन अब 2 एग्ज़ाम हो गया है, उसके बाद साइको होता है। साइको हो जाने के बाद उसके बाद मेडिकल होता है। इसमें मेडिकल में A1 कैटेगरी का होता है, मतलब आँख एकदम A1 कैटेगरी का रहना चाहिए। और उसके बाद जब यहाँ आते हैं तो ज्वाइनिंग होता है सहायक लोको पायलट के पद में, उसके बाद हम लोग को प्रमोशन होता है, तो हम लोग होते हैं वरिष्ठ सहायक लोको पायलट, सीनियर LP। सीनियर LP होने के बाद फिर उसके बाद जब हम लोग को प्रमोशन होता है काम करते करते, सीनियर LP हो जाने के बाद मतलब एक्सप्रेस गाड़ी या पैसेंजर में बुकिंग होने लगता है। शुरुआत में जब आते हैं असिस्टेंट के रूप में तो मालगाड़ी में भेजा जाता है। उसके बाद सीनियर LP के बाद, पहले तो यहाँ पोस्ट नहीं था LPS का, लोको पायलट सेंटर का, लेकिन अब पोस्ट है, उसके बाद लोको पायलट सेंटर बनाया जाता है, और उसके बाद लोको पायलट गुड्स, मालगाड़ी के लिए लोको पायलट, और उसके बाद उसमें वर्किंग का एक्सपीरियंस होने के बाद लोको पायलट पैसेंजर, और फिर उसमें अनुभव होने के बाद लोको पायलट मेल, बस मेल लास्ट है, मेल एक्सप्रेस लास्ट है।
तो जैसे अभी आप लोको पायलट शंटर है जो इंजन से जोड़ते हैं और अलग करते हैं, तो इसके बाद आप बनेंगे लोको पायलट गुड्स जो मालगाड़ी चलाते हैं। मालगाड़ी चलाना उसमें कितना अनुभव होना चाहिए कि आप जो लोग जिसमें यात्री होते हैं, अनुभव होना चाहिए पूरे असिस्टेंट पीरियड में 60,000 किलोमीटर फुट प्लेट होना चाहिए। 60,000 किलोमीटर मतलब आपको वर्किंग होना चाहिए। अच्छा पूरा तब आप बनेंगे लोको पायलट पैसेंजर गुड्स। और गुड्स बन जाने के बाद किलोमीटर का इशू नहीं रहता है, वो 3-4 साल होने के बाद पैसेंजर हो जाता है। पैसेंजर तो जो लोग बैठे होते हैं उनकी जो गाड़ी चलाता है वो बहुत जिम्मेदार और बहुत एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति होता है। हाँ वो बहुत एक्सपीरियंस, उनको हम लोग को एक LI लोमिनेट रहते हैं उसके अंडर में LP लोको पायलट रहते हैं। LI लोग उन लोग को काउंसलिंग करते हैं और वही उन लोग को ग्रेड देते हैं कि ये लोको पायलट है जो पैसेंजर चलाने लायक है कि नहीं है, अगर वो दे दिए उसके बाद चलाने के लिए अनुमति दिया जाता है। जैसे आप लोग मैं देख रही थी जब आप लोग गाड़ी चला रहे थे किसी चीज़ को डाउन कर रहे थे ब्रेक लगा रहे थे, क्या देखने से तो नहीं समझ में इसमें बहुत ताकत लगती है क्या? कुछ नहीं एज ए स्विच की तरह ये है, बस हल्का सा आगे करना है और हल्का सा पीछे करना। आगे करते हो तो ट्रैक्शन मिलता है, गाड़ी आगे करती है, जब पीछे करते हैं तो ब्रेकिंग होता है। मतलब ये कोई बहुत भारी भरकम काम नहीं, कोई एनर्जी का कुछ नहीं जरूरत है, दिमाग का बस दिमाग इसमें बहुत कॉन्शियस रहना है कि गाड़ी हमको वहाँ पे रोकना है। मतलब दिमाग में सिर्फ हमको यही रखना है कि हमको गाड़ी चला रहे हैं, इधर उधर का बात बिल्कुल नहीं। ये तो हुई आपके पेशे की बात, अब जरा मुझे दिक्कतें बताइए कि आप जैसे महिला हैं, महिला लोको पायलट हैं, एक आपने वॉशरूम की दिक्कत बताई, ऐसी और कौन सी दिक्कतें होती आपको? ऐसे तो रनिंग रूम में यहाँ पर महिलाओं लोग के लिए रूम है वैसा ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस वही बाथरूम का ही हम लोग का सबसे ज़्यादा दिक्कत है। कई स्टेशन पे क्या रनिंग रूम भी नहीं होते? कई स्टेशन पे नहीं, यहाँ जहाँ जहाँ लड़की का बुकिंग होता है वहाँ है, जैसे कि जयनगर में है हम लोग का रनिंग रूम, समस्तीपुर में भी रनिंग रूम है और सहरसा में भी है, यहाँ है। आपको क्या दिक्कतें लगती हैं इस पेशे में? इसमें वैसे दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वॉशरूम की। जब रनिंग में जाती हूँ तो वॉशरूम 4-4 घंटे हो जाते हैं, गाड़ी रुकती है, कहीं पर व्यवस्था रहता है कभी गंदा रहता है तो दिक्कत हो जाती है। वॉशरूम कठिन समय में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जब पीरियड्स वगैरह आते हैं। हाँ तो बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ती है उस वक्त, क्या करूँ। पीरियड्स में क्या छुट्टी नहीं मिलती? जी नहीं 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 स्पेशल सीएल नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट में है लेकिन हम लोग को नहीं है स्पेशल सीएल। समस्तीपुर से ही है? हाँ दोनों का लोग भी समस्तीपुर ही है। क्या आपका गांव किधर पड़ता है? मेरा गांव समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, हसनपुर प्रखंड में मेरा माइक है। और हसनपुर जहाँ से तेज प्रताप यादव वही उसी हसनपुर में मेरा घर है माइका, और ससुराल ताजपुर प्रखंड में पड़ता है, ताजपुर प्रखंड में जी। हसनपुर वो सीट है जहाँ से जो तेज प्रताप यादव है, लालू यादव के बेटे, वो वहाँ से विधायक है ना। आपका कौन सा गांव पड़ता है? नालंदा जिला है। नालंदा जिला पड़ता है। तो अभी जैसे चुनाव भी होने वाले, 13 तारीख को वोट डलेगा, तो आप लोग क्या वोट डालने जा पाते हो? वोट तो अभी तो ऐसा नहीं। नहीं 13 तारीख को वोट डलेगा तो आप लोग क्या वोट वगैरह डालने जा पाते हो? वोट 13 तारीख को तो यहाँ वोटिंग है, हम लोग का तो वोटर आईडी कार्ड वहाँ से बना लेगा। इधर 13 तारीख को वोटिंग है ना समस्तीपुर में, तो आप वोट डालने जा पाएंगे या शिफ्ट वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है? नहीं जा सकती हूँ, लीव ले करके जा सकती हूँ, तो मेरा नाम यहाँ नहीं है, वोटर आईडी मेरा वहीं का बना, हसनपुर का है, तो वहीं जाना पड़ता है। ससुराल का नहीं, माइके का हसनपुर जाना पड़ता है जी। तो अभी तो जैसे देखिए आप लोग सरकारी नौकरी में, सरकार के अगेंस्ट तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती है, तो मैं ऐसा कोई सवाल तो नहीं करूँगी, लेकिन अगर कोई एक काम रेल मंत्री या जो भी जिम्मेदार नेता है या आपके इलाके के जो भी सांसद हैं वो कर पाए, कोई एक इच्छा आपकी पूरी हो जाए, तो आप क्या मांगेंगी? मैं सबसे पहले मांगूंगी OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, मेरा फर्स्ट वही है। और सेकेंड में जितना मतलब हम महिलाओं के लिए वॉशरूम की बहुत प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सेफ्टी का ख्याल से कभी कभी नाइट होती है, RPF को साथ में देने के लिए वो मांगेंगे सेफ्टी के लिए। अच्छा
आप क्या मांगेंगी अगर आपकी कोई एक इच्छा पूरी कर दे, रेल मंत्री पूरी कर दे या आपके इलाके के जो सांसद है वो पूरी कर दे, तो आप क्या इच्छा पूरी करें? हम यही मांगेंगे कि हम लोग को वॉशरूम अवेलेबल करवा दिया जाए, क्योंकि हम लोग लेडीज लड़की लोग को बहुत दिक्कत होती है वॉशरूम, हर इंजन में वॉशरूम, वॉशरूम हर एक इंजन में, हम लोग यही मांग रहे हैं। और अपने इलाके की कोई दिक्कत तो मांग सकते हैं ना, मेरा वो आपको बता रही है कि OPS मांग सकते हैं। हाँ, OPS भी मांग सकते हैं हम लोग को, जो पुराना पेंशन सिस्टम है वो लागू कर दिया जाए हम लोग को। अच्छा, और जैसे भारतीय रेल है तो कुछ लोग भारतीय रेलवे की बहुत तारीफ करते हैं, कुछ बहुत बुराई करते हैं कि अब देखिए टिकट का पैसा बहुत बढ़ गया है, हर चीज़ में छोटे छोटे चार्ज कटते हैं, चाहे टिकट कैंसिल करवाओ या कुछ करवाओ। आप भारतीय रेलवे के बारे में क्या सोचती हैं? देखिए, अब तो महंगाई बढ़ता जा रहा है तो हर चीज़ तो बढ़ेगा ही ना, तो रेल में जैसे बहुत नई नई तकनीक लगाया जाता है तो फिर चार्ज तो बढ़ेगा ही ना, तकनीक बढ़ गई, खर्च बढ़ गए तो चार्ज तो बढ़ेगी और फैसिलिटी भी तो बढ़ जाती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल करूँगी, जब भी हम बिहार की तरफ से ट्रेनों की बात करते हैं, चाहे वो दिल्ली से बिहार चलने वाली हो या बिहार से दिल्ली जाने वाली हो, तो हमेशा ये बात होती है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, मतलब चाहे वो AC हो, स्लीपर हो, बिहार की तरफ की जो ट्रेनें हैं वो खस्ता हाल है। बेरोजगारी सबसे बड़ा चीज़ है, बेरोजगारी, लोग रोजगार ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। हम लोग भी जब यहाँ से कोलकाता सीतामढ़ी चलती है उसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ होते हैं, यहाँ से लोग कोलकाता सब रोजगार ढूंढने के लिए जाते हैं, बेरोजगारी बहुत है, लोग कमाने खाने के लिए बाहर जाते हैं, इसीलिए भीड़ ज़्यादा होती है। आपको भी लगता है भीड़ ज़्यादा है? वाकई है जो लोग कहते हैं कि बिहार की तरफ की ट्रेनों में भीड़ बहुत होती है? जी, भीड़ तो वाकई में रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो ट्रेन की संख्या बढ़ानी चाहिए। क्या सुझाव देंगे आप मोदी सरकार को या आने वाली जो भी सरकार है उन्हें? मैं तो बस यही सुझाव दूंगी कि जैसे पैसेंजर की संख्या देखती हूँ कि भीड़ रहती है, लटके रहते हैं गेट पे, तो एक दो पैसेंजर ट्रेन जो लोकल ट्रेन होती है वो बढ़ाया जाए जी, जिससे यात्रियों की सुविधा हो, कोई गिरे कटे नहीं, बस मैं तो यही कहूँगी। चलिए, और जो लड़कियां आपको देखने के बाद लोको पायलट बनने का सपना देखेंगी या वो बनना चाहेंगी, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? बस अगर बनने का इच्छा है तो ज़रूर बनेंगी, लेकिन बस थोड़ा स्ट्रोंग बन के आना होगा, घर की सारी चिंताएं घर में छोड़ के आना होगा, और घर को और इसको साथ में मैनेज भी करना होगा, घर का सारा टेंशन घर में ही छोड़ के आना है, ऐसी हमारी नौकरी है। वो लेकर नहीं चल सकते। जो लड़कियां ये वीडियो देखने के बाद सपना देखेंगी कि वो भी लोको पायलट बने या बनना चाहेंगी, उनके लिए क्या कहेंगी आप? उन लोग भी आए, मतलब कहीं भी मन में ये नहीं लगे कि महिला लोको पायलट का जॉब है जो अच्छा नहीं है, लड़के लोग के साथ में है, बहुत अच्छा जॉब है, और मतलब कि अच्छे से ड्यूटी करें, यहाँ सबका सहयोग भी बहुत अच्छा रहता है महिलाओं के प्रति। भारतीय रेल को अगर कोई एक सुझाव आप देना चाहें केंद्र सरकार को, या अभी जब चुनाव के नतीजे आएंगे जो नई सरकार बनेगी, क्या एक सुझाव देना चाहेंगी? लोगों रेलवे में जैसे जो बहाली हो रही है वो बहुत कम कर दिया गया है, जिसके कारण यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हम ये अपील करेंगे कोई भी सरकार आए तो मतलब रोजगार जैसे पहले वैकेंसी आ रही थी उसी तरह आया कर, जो 6 साल से रेलवे की वैकेंसी नहीं आई है, जिसके कारण मतलब कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो रोजगार बहुत हो, मतलब जिससे बेरोजगारी नहीं बढ़े रेलवे में, चाहे लोको पायलट हो चाहे और भी कोई क्षेत्र हो, उसमें रोजगार दिया जाए। तो जब हम चुनाव कवर करने निकले हैं, हमारी कोशिश होती है कि हर वर्ग के लोगों तक पहुंचा जाए और अलग अलग पेशे के लोगों से बात की जाए। जब हमें पता चला कि समस्तीपुर में काफ़ी ज़्यादा संख्या में महिला लोको पायलट हैं, असिस्टेंट लोको पायलट हैं, तो हमने सोचा कि ज़रा जाकर इनसे बात किया जाए, देखा जाए इनका कामकाज कैसा है। मैं तो पहली बार किसी ट्रेन के इंजन में चढ़ी थी, आप भी अगर पहली बार देख रहे हैं कि कैसे ट्रेन चलती है, क्या फंक्शनिंग होती है, थोड़ा बहुत अगर आपको इस वीडियो की जानकारी काम की लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको सोनी दीदी की और अर्चना दीदी की बातें कैसी लगी ये भी कमेंट में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी अमित थे, मेरा नाम सोनल है, हमारी चुनावी कवरेज जारी है, हम बिहार में हैं, लेकिन जो अलग अलग कहानियां दिखेंगी हम इसी तरह कवर करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ललित जॉब देखते रहिए, शुक्रिया।